Alright, I think I'm live. Yes, 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 I'm live. Alright. So, good morning to each and every one of you. Good morning, live after three days. Good morning, CA Bansh, Pooja Gangvar, Tanu, PK Chavat Online, CA Bansh, Rishi Raj, Komal, Kamar, uh, Vineet, Nisha, Kumar, Amit, Kumar, Yadav, Pooja, PK Chavat, Rahul Tiwari, Keshav Parik. So, good morning to each and every one of you. Kese aap sabilog. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, come on, come on, come on. हम लोग लास्ट मिले थे सैटरडे को हम लोग लास्ट लाइव मिले थे सैटरडे को थर्टी फर्स्ट दिसंबर था और उसके बाद फर्स्ट जनवरी न्यू ईयर हमारा वह आ गया था संडे uh, हो गया था और फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे नहीं आई थिंक मंडे को भी तो हमारी क्लास लाइव हुई थी यस यस मंडे को भी तो हमारी क्लास लाइव हुई थी

पूजा कोमल श्रद्धा पोमे साहा कौशल झा सुंदरम गुड मॉर्निंग टू बीच एंड ऑफ यू आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है अरिथमेटिक मीन हम लोग अरिथमेटिक मीन में मैंने कल आप लोगों को एक दिया था ऑल द वो रिकॉर्डेड सेशन में जो वाला क्वेश्चन होमवर्क था उसी से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करके ज्योमेट्रिक मीन को कंप्लीट भी कर देंगे uh, जितने भी स्टूडेंट्स

23% डिस्काउंट का ऑफर भी चला आई थिंक आज भी चली रहा है टुडे इज द लास्ट डे फॉर 23% डिस्काउंट इफ यू यूज माय कोड निश10 आपको 23% का डिस्काउंट मिलेगा लेकिन वो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आप लोगों को इस क्लास के एंड में बताऊंगा ठीक है राइट स्टार्टेड हम, हम, हम लोग ने कल कर दिया एक क्वेश्चन होमवर्क है उसको आज हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक मीन करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन भी आज कंप्लीट हो जाएगा और ये सारी चीजें हैं तीन दिनों में काफी सारे अच्छे से देख चुके हैं राइट right? चलो जी लेट्स लुक एट द क्वेश्चन क्वेश्चन व्हिच आई आई गिव यू एज होमवर्क थिंक दिस वाज अ जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और अब मैंने कल वाली क्लास भी देखी थी तो कल वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन में कल वाली क्लास के कमेंट सेक्शन में कई सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर भी मैसेज uh, करके वो कमेंट किया हुआ है तो दैट्स वेरी गुड थैंक यू सो मच चलो सर हम लोग अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप में से जितने भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यस कमान come on, come on, come on. कमान भी स्टूडेंट ऑफ डिस्क्रिपीट नंबर भी स्टूडेंट तक को नहीं से आप लोग चक्रवर्ती अरे ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा जैसे क्लासरूम में क्लास चल रही होती है उसके बाद से कोई ना कोई आता है फिर किसी अनाउंसमेंट के लिए ऐसे ही यहां पर आ गया एनी बीकॉम स्टूडेंट ह्योर क्या बात है संजय ब्रो गुड मॉर्निंग सुंदरम कह रहे पी के चावत यस सर रोहन सुंदर

बहुत ध्यान से देखना है इसको हम लोगों ने कल उसके बारे में तो बात की थी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है ठीक तो है तो कंबाइंड राइट उसी के बेसिस पर ये है। आओ से इसको देखते हैं तो एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स अनस्किल्ड वर्कर्स का जो ग्रुप है उसकी एवरेज सैलरी दस हजार रुपए है एंड ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स तो स्किल्ड वर्कर्स का जो ग्रुप है 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 उसकी सैलरी रुपए की ठीक अगर मैं अनस्किल्ड वर्कर के मेरे को जल्दी से बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक्स वन बार इज टेन थाउजेंड रुपीज क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स का जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप वन ठीक है अनस्किल्ड वर्कर्स का जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप वन तो पहले ग्रुप का जो एवरेज सैलरी है वो टेन थाउजेंड रुपीज है ग्रुप टू तो ग्रुप टू की जो एवरेज सैलरी है वो फिफ्टीन थाउजेंड है तो मैं यहां पर कह देता हूं एक्स टू बार इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ठीक है याद रहे अनस्किल्ड इज ग्रुप वन स्किल्ड इज ग्रुप टू ये याद रहना चाहिए बहुत जरूरी है

ठीक है अगर मैं ये मान लू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हंड्रेड है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा कैसे आसान होगा आओ देखते हैं तो मैंने यहां पर लिखा लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बी हंड्रेड ठीक है लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बी हंड्रेड अब सुनना मेरी बात नाउ आई जस्ट ट्राई दस अब मैं आराम से ऑप्शन ट्राई करूंगा कैसे ऑप्शन ट्राई करूंगा देखना हम लोगों से परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स पूछा गया ऑप्शन तो मतलब ए के हिसाब से ऑप्शन ट्राई करने में हम लोग क्या करते हैं यही तो करते हैं कि चलो अगर ऑप्शन ए सही है तो फिर क्या है देखते हैं मैच करते हैं चीजों को हो रहा है या नहीं हो रहा हम ऑप्शन ट्राई करने में हमेशा यही करते हैं कि ठीक है तो अगर स्किल्ड वर्कर्स की परसेंटेज

ठीक है अभी हमने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को हंड्रेड मान लिया है और अगर स्किल्ड यही पूछा ना वट इज परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर्कर्स स्किल्ड की परसेंटेज अगर 40 है तो नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कितने होंगे इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स विल बी ठीक है अब फोर्टी वर्कर्स को आपने स्किल्ड वर्कर्स के ग्रुप को आप ग्रुप वन कह रहे हो या ग्रुप टू कह रहे हो जल्दी से बताओ मेरे को स्किल्ड वर्कर्स के ग्रुप को आप ग्रुप वन कह रहे हो या आप ग्रुप टू कह रहे हो अनस्किल्ड को वन बोला है स्किल्ड को ग्रुप टू बोला है और अभी नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं 40 है नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं फोर्टी है तो यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एन टू इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है आई होप बात सब लोगों को यहां पर समझ में आ रही है एन टू इज इक्वल टू फोर्टी राइट क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हमने फोर्टी मारा है

अगर एन टू फोर्टी आ गया तो वन एन वन काम करो आप combined mean निकालने की कोशिश करो। अगर कंबाइंड मीन ये बारह हजार आ गया मतलब आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स एज सिंपल एज ठीक है तो अब आप एक बार कंबाइंड मीन निकालने की कोशिश करो कंबाइंड मीन कैसे आएगा एन वन एक्स वन बार

कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज हमें आपकी सहायता की आवश्यकता सहाय है आ कैलकुलेटर देवता तो देखो सिक्सटी इंटू टेन थाउजेंड इज इक्वल टू एम प्लस इंटू फिफ्टीन थाउजेंड इज इक्वल टू एम प्लस एमआरसी डिवाइडेड बाई स्किल्ड वर्कर्स है तो क्या एवरेज जो एवरेज सैलरी है वो कंबाइंड मीन जो है वो बारह हजार आ रहा है ये बारह हजार तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया ही हुआ है

स्किल्ड वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी है वो पंद्रह हजार है तो एक्स टू हमारे पास एन वन एन टू है ऑप्शन ए मतलब ही हमारा आंसर है अगर मान लो एक्स बार कुछ और आता तो फिर हम ऑप्शन बी ट्राई करते हैं एंड सो ध्यान देने वाली बात यहां पर सिर्फ इतनी है कि जब आप ऑप्शन ट्राई करोगे फोर्टी परसेंट तो ये फोर्टी परसेंट एन वन नहीं है ये फोर्टी परसेंट एन टू है ठीक है या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्किल्ड वर्कर्स को ग्रुप वन मान लो तब तो आप फोर्टी को एन वन मान सकते हो ठीक है अगर आपने स्किल्ड वर्कर्स को अगर आपने स्किल्ड वर्कर्स को ग्रुप वन माना तब आपका एक्स वन बार एंड नॉट टेन थाउजेंड ठीक है एंड सो ऑन तो बस यही है अगर आप स्किल्ड वर्कर्स को ग्रुप वन मान रहे हो तो एन वन इज सिक्स एन वन इज फोर्टी अगर आप स्किल्ड वर्कर्स को ग्रुप टू मान रहे हो तो एन टू इज फोर्टी

कह रहे टुडे इज माय फर्स्ट क्लास एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय बैकलॉग वेरी नाइस था अब सही हो गया ना अब ओके okay हो गया ना अब तो समझ में आ गया ठीक है ठीक है फटाफट से फिर वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दो आई कैन स्टिल सी अलॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट लाइक द वीडियो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरे मेरे को भी मोटिवेशन आएगा एंड इट विल हेल्प के ये वाली वीडियो जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे को एक बार कंफर्म कर दो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा ठीक है समझ में आ गया ना स्वप्निल श्रीवास्तव कह रहे हैं समझ में आ गया Nice. ज्योमेट्रिक nice. right. तो मीन, मीन पर तो बहुत ध्यान से आप सब लोग मेरी बात सुनिएगा ज्योमेट्रिक मीन में बचपन से हम लोग हमेशा अरिथमेटिक मीन निकालते हुए आ रहे हैं जिसको हम लोग सिंपल एवरेज बोलते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोगों को रेट्स का एवरेज निकालना होता है या हम लोगों को परसेंटेजेस का एवरेज निकालना होता है ठीक है जब हमें रेट्स का एवरेज निकालना होता है या हमें परसेंटेजेस का एवरेज निकालना होता है तब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं अब ये ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कैसे किया जाता है इट्स वेरी सिंपल देखो मैं आपको बताता हूं अगर आपके पास सपोज चार नंबर है जिनका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ठीक है तो सपोज यू है ठीक है इनका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है अरिथमेटिक मीन नहीं अरिथमेटिक मीन तो खत्म हो गया ज्योमेट्रिक मीन आपको इसका मैंने लॉजिक भी बता दिया ज्योमेट्रिक मीन का यूज क्या होता है और ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन जब भी रेट्स आपको दिए हुए हैं रेट्स का मतलब क्या हो गया कि आलू दस रुपए किलो प्याज बारह रुपए किलो भिंडी सोलह रुपए किलो एंड सो ऑन ठीक है तो ये रेट्स हैं आपके ठीक है अगर इनका आपको एवरेज निकालने के ऑन एन एवरेज सब्जियों का रेट क्या चल रहा है तो फिर आप अरिथमेटिक मीन नहीं निकालोगे आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे ठीक है परसेंटेजेस का क्या मतलब हो गया एक साल से दूसरे साल की प्रॉफिट ग्रोथ है, है, तो है तो ये परसेंटेजेस का आपको एवरेज निकालना है तो यहां पर भी आप अरिथमेटिक मीन नहीं निकालते हो यहां पर भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं जैसे यहां पर क्या हो गया कि आपको आलू दस रुपए किलो प्याज बारह रुपए किलो भिंडी सोलह रुपए किलो एंड सो so ऑन इस टाइप का चल रहा है तो ये आपको रेट्स दिए हुए हैं ठीक है अलग अलग कमोडिटीज के आपको रेट्स दिए हुए हैं तो अगर आपको एक एवरेज रेट निकालना है कि सब्जियों का एवरेज रेट क्या है तो आप टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री नहीं करोगे ये तो अरेथमेटिक मीन हो जाएगा तो इस केस में आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा अब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे ठीक है सिमिलर इज द केस विद परसेंटेजेस राइट अगर आपको किसी कंपनी को एनालाइज करना है

ठीक है तो सपोज 2021 में उस कंपनी का प्रॉफिट पांच सौ का था तो यहां तो यहां तक कितने परसेंट की ग्रोथ हुई राइट तो हर साल अलग अलग परसेंटेजेस से प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है तो अगर आपको देखना है कि यहां से लेकर यहां तक ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज हर साल कितने की ग्रोथ हो रही है जो हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट किया था याद आ रहा है वो यही था अभी आप लोग जब घर जाओगे मतलब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद आप ट्राई करना जो सी वाला टॉपिक था ना तो उसमें हम लोगों ने वो किया था ना 2013 से 2016-17 तक का जब का भी हम लोगों ने सी निकाला था कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो वो उसमें आप ट्राई करना हर साल के परसेंटेजेस निकालना फिर उन परसेंटेजेस का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे आपका आंसर वही आएगा जो हम लोगों ने वहां पर सीएजीआर निकाला था ठीक है आप बिल्कुल ट्राई करना बड़ा मजा आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो CIGR वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड तो यहां पर, exactly पर निकल कर आएगी कि हर साल के आपको अलग अलग परसेंटेजेस दिए हुए उन सभी परसेंटेजेस का जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो आपका वही निकल कर आएगा और इसी चीज को कंपाउंडेड कहते हैं

ठीक है तो आपको करना क्या है आप इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ठीक है आपने इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई किया रेज टू द पावर वन बाई फोर रेज टू द पावर वन बाई फोर और ये रेज टू द पावर वन बाई फोर निकालना हम लोगों को बहुत आराम से आता है अपने कैलकुलेटर ठीक है अब ये कितने भी नंबर हैं उन नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे रेज टू द पावर वन अपॉन जितने भी आपके पास नंबर्स है ठीक है तो यहाँ पर जैसे ये चार नंबर से तो टू इंटू फोर इंटू नाइन इंटू ट्वेंटी अगर मान लो यहीं पर ये तीन नंबर होते और ये तो रेस टू दावर वन बाई थ्री राइट अगर सपोज पांच नंबर होते हंड्रेड ठीक है पांच नंबर से तो क्या होता आपस में सबको मल्टीप्लाई करो रेस टू द पावर वन बाय फाइव इट्स वेरी सिंपल ठीक है तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना वेरी सिंपल आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब आ जाओ हम लोग एक बार ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं है कैलकुलेशन कैसे होगी कैलकुलेटर पे वो आप लोगों को आता है अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो ज्योमेट्रिक मीन में दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई पहला तो ज्योमेट्रिक मीन का प्रैक्टिकल यूज तो ज्योमेट्रिक मीन प्रैक्टिकली कहां कहां यूज होता है जब रेट्स का एवरेज निकालना होता है या फिर परसेंटेजेस का एवरेज निकालना होता है तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं ना कि अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाएगा आपको कि यहां पर आपको ज्योमेट्रिक मीन लगाना है नहीं क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली नहीं बोला जाएगा अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ परसेंटेजेस हंड्रेड परसेंट दिया है टू हंड्रेड परसेंट दिया है फाइव हंड्रेड परसेंट दिया है और क्वेश्चन ने आपसे बोला कि इनका एवरेज निकालो तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड क्योंकि आर गिवन और इनका एवरेज निकालने के लिए हमें ज्योमेट्रिक मीन यूज करना होता है तो आप ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करोगे ठीक है अब ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन किस तरह से होता है वो मैंने आप लोगों को बताया जितने भी नंबर दिए हुए उनका सबको आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करो रेज टू द पावर वन अपॉन एन एन इज वॉट द नंबर ऑफ नंबर

अब का अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं जा पा रहे ठीक है थीके? कोमल विनीत रुतजा ठीक है यहां तक की बात समझ में आ गई कि ज्योमेट्रिक मीन में क्या क्या करना होता है वे, यस वेरी नाइस प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज लाइक करो यस थैंक यू सो मच यचना ठीक है तुबा नजीम सी ए वंश कोमल नो नो सर मत रो अच्छा ठीक है तो मैं अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ना रहू तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है लेट्स लुक एट दिस नाउ तो ज्योमेट्रिक मीन इज यूज टू एंड दर्सेंटेज अब इंडिविजुअल और 12 का आपको मीन निकालना है तो 3, 6 और 12, क्या करोगे इनटू इनटू रेज टू पावर 1 अपॉन रेज टू पावर 1 अपॉन 3 तो कैसे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 12 ठीक है 216 आ गया अब इसका आपको बारह बार स्क् रूट करना है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन फिर इंटू वन थ्री प्लस वन फिर इंटू इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स एक दो चार पांच छ सात आठ नौ दस ये आ गया आपका सिक्स तो ऑप्शन बी इज योर आंसर ऑप्शन बी इज योर आंसर राइट एक और भी तरीका है इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है वो ये है कि थ्री इंटू सिक्स इतना सारा कैलकुलेशन नहीं पावर कैलकुलेट करना है ठीक है दो सौ सोलह रेस टू तो आपको कैलकुलेट करना है इसका मतलब क्या हो गया सिक्स आया ना इसका आंसर इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब है कि सिक्स का जो क्यूब होगा वो दो सोलह होगा कॉमन सेंस ठीक है दो सोलह का वन बाई थ्री जो भी नंबर आएगा दो सौ सोलह का वन बाई थ्री जो भी नंबर आएगा सपोज वो एक्स आया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक्स टू पावर थ्री इज इक्वल टू दो सोलह एकदम सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है दो सौ सोलह रेस टू तो दावर वन बाई थ्री अगर एक्स है यही तो आपका आंसर आएगा फाइनली इसका मतलब क्या है कि आंसर पावर थ्री गोइंग टू तो बी दो सो सोलह टू दावर दो सो सोलह अब आप ऑप्शन ट्राई कर लो थ्री की पावर थ्री कितनी आती है देखो थ्री इन टू पावर टू थ्री ना दो सोलह तो नहीं आया क्या सिक्स की पावर थ्री दो सोलह आती है सिक्स इंटू पावर टू थ्री दो सौ सोलह आ गया तुरंत हो गया आपका ऑप्शन बी ठीक है तो आपको वो जो, जो रेस टू तो दावर वन बाई थ्री निकालने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है वो आपको करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बड़ा सिंपल है तीन नंबर इनका रेस टू द पावर करना है तो तीनों का प्रोडक्ट ले लो ठीक है तीनों को मल्टीप्लाई किया दो सो सोलह गया दो सो सोलह रेस टू तो द पावर वन बाई थ्री वो ही आपका आंसर होगा इसका मतलब क्या है यह एक्स रेस टू द पावर थ्री विल बी दो सो सोलह ठीक है आ जाओ और ट्राई करते हैं देखो जैसे ही है सिक्स एट ट्वेल्व थर्टी सिक्स सिक्स एट ट्वेल्व थर्टी सिक्स रेस टू पावर वन बाई फोर ठीक है तो पहले इसका प्रोडक्ट लो क्या आता ये पहले इसका प्रोडक्ट लो सिक्स इंटू एट इंटू ट्वेल्व इंटू थर्टी सिक्स क्या आया ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स आया ट्वेंटी थाउजेंड सेवन थर्टी सिक्स ठीक है इसका ये रेस टू दावर वन बाई फोर यही है ना

अब आप यहां से ऑप्शन ट्राई कर लो तो ऑप्शन ए सिक्स की पावर फोर ट्राई करो सिक्स की पावर फोर ट्राई करो सिक्स इंटू पावर टू थ्री फोर ना ठीक है फिफ्टीन पॉइंट फाइव की पावर फोर ट्राई करो इन इंटू पावर टू थ्री फोर ये क्या है फिफ्टी सेवन थाउजेंड आ गया ना ये भी नहीं इसकी ये ट्वेल्व की पावर फोर ट्राई करो टू पावर टू थ्री फोर कितना है ट्वेंटी थाउजेंड गया ऑप्शन सी इज योर आंसर ऑप्शन सी इज योर आंसर ठीक है तो आई होप ये वाली ट्रिक आपको समझ में आ रही है अच्छा एक एक ट्रिक और एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूं आपको ठीक है जब भी ये रेस टू द पावर वन बाईर हो ना जब भी रेस टू सिंपली दो बार स्क्सर आ जाएगा सिंपली दो बार स्क्वेयर रूट जैसे ट्वेंटी थाउजेंड सेवन थर्टी सिक्स ट्वेंटी थाउजेंड सेवन थर्टी सिक्स रेस टू दावर वन बाई फोर था वन बाई फोर का मतलब सिंपली दो बार स्क्र रूट एक दो गया आंसर ठीक है वन बाई फोर का वन बाई फोर का मतलब सिंपली दो बार स्क्वायर रूट तो आपका आंसर ये आ जाता है राइट लेकिन ऑफ कोर्स ये हर पावर में काम नहीं करेगा तो इसलिए ये मैं, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ये वाली ट्रिक नहीं बताई क्योंकि थ्री वाली पावर में थोड़ी काम करेगा रेस टू दावर वन बाय थ्री है तब थोड़ी ये काम करेगा रेस टू द पावर वन बाई सेवन है तब थोड़ी काम करेगा रेस टू द पावर वन बाय फाइव है तब थोड़ी काम करेगा तो ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई ना इक्वल टू एक्स करके ये वाली ट्रिक आपकी हर क्वेश्चन में काम आएगी और बहुत अच्छे से काम आएगी

एट का क्यूब इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन का क्यूब रूट का क्यूब फिफ्टीन ही तो आएगा ठीक है के क्यूब क्यूब, क्यूब रूट का का आएगा, ये ये कॉमन सेंस है एकदम, तो यहां क्या होगा? क्योंकि पावर जो थ्री भी हो जाएगा और ये क्यूब रूट ऑफ फिफ्टीन टू पावर थ्री भी हो जाएगा ठीक? ये भी ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है क्यूब रूट ऑफ फिफ्टीन टू पावर थ्री ये तो फिफ्टीन हो जाएगा एट टू पावर थ्री देखो कितना आता है, समझ में आ गया बेलो निट आई होप ये वाला सबको आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा ये पूरी ट्रिक आपको समझ में आ रही होंगे सारी दोनों तीनों ट्रिक्स आपको समझ में आ गई ठीक है सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी तो लता पीके ला पी गुप्ता सैम राहती शिवांजलि सिन्हा स्वन श्रीवास्तव कौशल झा सी ए वंश अमन सिंह यचना मेवाडा विनीत कोमल आस्था स्वप्निल भारत गहलोत श्रुति कुमारी ठीक है जी थी? अभी नहीं करना है इसके पर श्रुति ठीक है अभी नहीं करना है आपको तो एक बार फटाफट से आप लोग यहां पर चैट बॉक्स में फॉर एवर कर दो खुशी चतुर्वेदी मैं बढ़िया हूं जी आप कैसे हो और वीडियो को लाइक कर दो जिससे भी लाइक नहीं किया तो ये तो बात हो गई थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज की ठीक है इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको करना है तो फिर आप ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे अब आ जाओ देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलेगा तो डिस्क्रीट सीरीज में बड़ा सिंपल है डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है दो चीजें होती हैं एक तो वेरिएबल होता है दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अब तो उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी क्योंकि अरिथमेटिक मीन में तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उसके ठीक है

बट ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एकदम कॉमन सेंस वाला फॉर्मुला है ठीक है आओ देखते हैं एग्जाम्पल से तो ये वैल्यू है टू और इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब है इसका इसका मतलब मतलब क्या क्या है है कि दिस वैल्यू इज अकरिंग टाइम्स इन योर डेटा ठीक है इसका यही तो मतलब है ना कि जो वैल्यू एक्स है टू दिस वैल्यू इज अकरिंग टू टाइम्स इन योर एंटायर डेटा राइट तो हमें क्या करना होता है जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबका प्रोडक्ट लेना होता है हमें राइट right? जितनी भी वैल्यूज होती है हमें उन सभी का लेना होता है, तो हम करेंगे क्या टू इंटू टू टू इंटू टू ठीक है ठीक है, तीन कर रही है? अगर वैल्यू फोर है और इसकी फ्रीक्वेंसी थ्री है इसका मतलब क्या है दिस वैल्यू फोर इज अकरिंग थ्री टाइम्स इन योर डेटा राइट और हमें सभी वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना होता है तो हम क्या करेंगे इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर सभी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना ना अभी अभी तो हमने देखा सभी का power, है, ये कितनी आपके में कर रही है राइट तो आप क्या करोगे इंटू एट इंटू एट इंटू एट राइट सिमिलरली ये जो वैल्यू है सिक्सटीन ये आपके पूरे डेटा में कितनी बार आकर कर रही है ये दो बार अकर कर रही है तो इंटू सिक्स इंटू ठीक रेस टू पावर कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो वन बाई टेन यही है एकदम सीधी सी बात है ठीक है तो टू इंटू टू क्यों किया क्योंकि हर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है अभी तक हम लोग यही कर रहे हैं पिछले तीन क्वेश्चन में हमने यही किया ठीक है कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं उन सब का प्रोडक्ट लो रेस टू द पावर वन डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही हम लोग करते आ रहे हैं तो हमने देखा कि वैल्यू जो है वो पूरे डेटा में दो बार आकर कर रही है 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 तो ठीक जो वो पूरे डेटा में तीन बार आकर कर रही है मतलब तीन तीन बार बार है 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 तो तो जो जो वो वो पूरे पूरे डेटा डेटा में में आकर रही और दो बार आकर कर रही है दिस इज दिस ओनली टू रेस टू द पावर टू इंटू फोर रेस टू दावर थ्री इंटू एट रेस टू पावर थ्री आ रही है कि ऊपर फ्रीक्वेंसी क्यों रहेगा क्योंकि कॉमन सेंस है कोई नया फॉर्मुला थोड़ी है ठीक है कोई नया फॉर्मुला होता तब तो कंफ्यूजन होता यहां पर कुछ नया फॉर्मुला है ही नहीं वही चीज है जो हम इंडिविजुअल सीरीज में करते आ रहे हैं वही चीज है जो हम इंडिविजुअल सीरीज में करते आ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में तो हम यही कर रहे थे ना जितने भी ऑब्जर्वेशन द पावर वन डिवाइडेड बाय कितने हैं? चार हैं, कर दो यहां पर भी हमने यही किया यहां पर भी हमने यही किया जितने भी ऑब्जर्वेशन सबका प्रोडक्ट ले लो दो दो बार बारह कर कर रहे टू इंटू टू फोर थ्री टाइम्स अकर कर रहा है एट इंटू एट इंटू एट सिक्सटीन दो बारह कर कर रहा है बात वही हो गई रेस टू वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है? है. बस एक्जैक्टली exactly को लिखने का तरीका ही तो बदला है तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि कुछ भी नया नहीं है सब कुछ सिंपल exactly है यस yes? समझ में आ रहा है सबको exactly वही चीज है सीए श्रुति कुमारी स्वप्न श्रीवास्तव शिवांजलि सिन्हा पीके के छावत यस yes, नीरज यादव खुशी राहुल तिवारी कौशल झा जल्दी बताओ मेरे को सबको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कुछ भी नया नहीं है इट्स एग्जैक्टली द सेम जो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में करते आ रहे हैं है ना तुबा नजीम कोमल रजा खान सुंदरम गुप्ता वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो तो अभी देखो क्या हो जाएगा पर बस आपको इसको solve करना है अब आप देख लो ये ठीक है इसका आपको करना है पावर वन बाई 10. इसका आपको पावर वन बाई टेन करना है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो मैं डायरेक्टली पावर इसकी 1 by 10 निकाल ठीक है. आप ऐसे कर सकते हो सकते हो अभी डायरेक्टली पावर निकाल दे रहा हूँ तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन इन टू वन बाई टेन प्लस वन फिर इन टाइम्स एक दो तीन चार सात आठ आ गया तो मतलब ऑप्शन ए इज़ योर ठीक है ऑप्शन ए इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ गया बोलो फॉर फॉरएवर बोलो फॉर फॉरएवर वेरी नाइस अमित कुमार भारत गहलोत सिन्हा सी वंश पोमे साह खुशी चतुर्वेदी श्रुति कुमारी सलोनी भगत श्रद्धा श्रुति वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया दैट्स अमेजिंग नाइस आया आप सब लोगों को एकदम कायदे से समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया बात है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अभी सीरीज में भी इसी टाइप का हो जाएगा ठीक है सीरीज में बस है क्या कि जो क्लास इंटरवल्स है उनकी मिड पॉइंट्स को आप एक्स मानोगे दैट्स इट ठीक है जैसे आप लोगों ने उसमें अरिथमेटिक मीन में किया था तो अरिथमेटिक मीन में भी सीरीज में क्या किया था हम लोगों ने सीरीज में जो भी क्लास इंटरवल्स थी उनके मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने एक्स मान लिया था ठीक है तो उसी तरह से पर ज्योमेट्रिक मीन में, में भी आपको यही करना होगा वैसे सीरीज से रिलेटेड ज्योमेट्रिक मीन में, में आपके पास आज तक एग्जाम में आए नहीं है ना आपके सिलेबस में ना तो स्टडी मटीरियल में बट फिर भी अगर मान लो कभी आ भी गया तो भी आई होप आप लोगों को पता है कि क्लास इंटरवल्स के जो मिड पॉइंट्स होंगे उन्हीं को आपको एक्स मानना होगा फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं तो बिल्कुल डिस्क्रीट की तरह से आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे ठीक है लोक प्रॉपर्टीज ऑफ जो मीन तो पहली प्रॉपर्टी वही है जो अरिथमेटिक मीन में थी कि अगर सभी ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेंट है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी कॉन्स्टेंट होगा ठीक है और बिल्कुल सेम लॉजिक है जो मीन में था। तो ज्योमेट्रिक मीन में हूं। तो यहां पर में हैं, तो भी आपका कॉन्स्टेंट होगा एकदम कॉमन सेंस है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है कि सपोज अगर कुछ ऑब्जर्वेशन है आपके पास ठीक है सपोज आपके पास चलो एक काम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ़ 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 प्रोडक्ट प्रोडक्ट टू इज़ देखो इसका मतलब क्या है अगर आपके पास दो है? X और y, अगर आपके पास दो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ठीक है अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई और जेड आता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके मतलब Z X y. तो Z का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ना Z का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा x ठीक and... है, तो अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, इनके ज्योमेट्रिक आपको पता है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो z है तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू जो मीन ऑफ x इंटू जोमेट्रिक मीन ऑफ y. ठीक है आई होप एक बात एकदम एकदम सिंपल सी बात है एकदम क्लियर है आ जाओ एक क्वेश्चन से इसको समझते

और ये हर बैच में होता है सिर्फ इस पर्टिकुलर बैच की बात नहीं कर रहा हूं समझाता क्या मैंने यहां पर कहीं पर भी लॉग का नाम लिया कहीं पर भी लॉग का नाम लिया मैंने सिर्फ इतना बोला दो नंबर है उनके ज्योमेट्रिक मींस का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा बात खत्म और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं यहां पर क्या है

यहाँ पर log 15, log log का तो मैंने नाम ही नहीं लिया मैंने तो सिंपली आपको यह बताया कि दो नंबर है आपके एक्स और वाई ठीक है इन दोनों के अगर जोमेट्रिक मीन आपको दिए हुए और आपसे कहा जा रहा है इनका प्रोडक्ट का जोमेट्रिक मीन निकालो तो इनके इंडिविजुअल ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट कर दो दैट्स इट ठीक है तो अगर आपको एक्स का ज्योमेट्रिक मीन टेन दिया हुआ है वाई का ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और आपसे एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए बोला गया है तो आप सिंपली इन दोनों की ज्योमेट्रिक मीन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो ना वन फिफ्टी सिंपल एस दैट यार इट्स एस दैट गुड मॉर्निंग जी गोविंद लोहार जी कैसे हैं आप जी ठीक है हैप्पी न्यू ईयर श्रुति कुमारी ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ अब इसी बात पे जितने भी स्टूडेंट्स स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी ठीक है अब यहां पर क्या है कि अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई दिया हुआ है ठीक है और आपसे एक्स डिवाइडेड बाय वाई का ज्योमेट्रिक मीन पूछा जा रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स बाय वाई तो क्या करोगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई ये कर दोगे आप लोग सिंपल ठीक है पिछली वाली प्रॉपर्टी में क्या था पिछली वाली प्रॉपर्टी में था कि अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दिया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई दिया है और आपसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई पूछा गया है तो आप क्या करोगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई आप ये करोगे ठीक है यहां क्या है अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई दिया हुआ है और आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स बाय है तो आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई करोगे भाइयों बहनों मित्रों प्लीज ध्यान दें कि यहां पर भी मैंने लॉग का नाम तक नहीं लिया है यहां पर भी मैंने लॉग का नाम तक नहीं लिया है जल्दी से मेरे को इसका जवाब दें सभी लोग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स टेन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इज वाईन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स बाय कितना होगा फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को चैट बॉक्स में आंसर बताएं चैट बॉक्स में आंसर चैट बॉक्स में आंसर कम ऑन कमॉन कमॉन एवरीवन है, है गोविंद जी आज ही से क्लासेस क्लास टुडे हाँ भाई क्या है इसका आंसर टू बाई थ्री विनीत भारत आकृति अमन अमित देविका अमन सैम वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों का अब यहां पर क्या होगा टेन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन डिड बाई फिफ्टीन 5 टू जन फाइव थ्री आ जाएगा टू बाइस बहुत बढ़िया सलोनी कौशल कुमारी निम्नी वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है ना अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी आज तक कभी एग्जाम में आई नहीं है ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी आज तक कभी एग्जाम में आई नहीं है

एग्जाम्पल से समझते हैं अगर आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन है थ्री टेन थ्री सिक्स और ट्वेल्व ठीक है मैं पहले प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूं मैं आपको लॉग निकालना नहीं सिखा रहा हूं लॉग निकालना हम लोग सीखेंगे अलग चैप्टर में ठीक है है तो एक चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडिजम्स वहां पर हम लोग लॉग निकालना सीखेंगे अभी मुझे पता है आप लोगों को लॉग निकालना नहीं आता है लॉग हम लोगों ने अभी सीखा भी नहीं है ठीक है मैं यहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी के थ्रू लॉग नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर ये यह प्रॉपर्टी सिखा रहा ठीक है तो यहाँ पर आप अभी ध्यान देना कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है लॉग कैसे निकाला जाता है क्या होता है लॉग कैसे आएगा वो सारी चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे ठीक है अभी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है राइट तो सपोज आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन है थ्री सिक्स और ट्वेल्व राइट right? अगर आप इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा सिक्स जो मीनो सिक्स इंटू ट्वेल्व पारन बाई थ्री ठीक है ज्योमेट्रिक मीन निकालना आपको आता है जब आप थ्री सिक्स और ट्वेल्व का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो वो आएगा सिक्स ठीक अब अगर आप सिक्स का लॉग लोगे ना तो वो आएगा जीरो पॉइंट सेवन सेवन एट टू ठीक है अब आपके दिमाग में फिर से आया होगा इंस्पायर ऑफ मी टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स कि सर ये log 6 कैसे आया ये की फिगर कैसे आई आ गई अभी फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो ठीक है अभी आर पॉइंट हियर इज नॉट टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द लॉगरिथम ऑफ सिक्स नो दैट्स नॉट द पॉइंट ओवर हियर राइट नाउ आर पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन राइट right? तो लॉग कैसे के लिए आप मेरे पर ट्रस्ट कर लो कि हां अगर मैं बता रहा हूं कि सिक्स का लॉग्यारदन सेवन एट टू है तो वो होगा ठीक है तो अभी फिलहाल आप ट्रस्ट के बेसिस पर यह प्रॉपर्टी सीखो बाकी लॉग सिक्स कैसे निकलेगा वो हम बाद में देखेंगे ठीक है देखो, फिर से वंस अगेन अब कोई ये बात नहीं करेगा कि लॉग कैसे निकला नंबर का अब किसी के दिमाग में चीज़ नहीं आनी चाहिए हम इस क्लास में यह बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे कि लॉग कैसे आया कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं उसमें प्रॉपर्टी से ध्यान हट जाता है इसलिए बार बार ठीक है पर अब ध्यान देना तो मैंने आपसे कहा कि सपोज आपके पास तीन नंबर है थ्री सिक्स और ट्वेल्व राइट इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा सिक्स आएगा वो आप कैलकुलेट करके भी देख लोगे हो जाएगा अब मैं आपसे कह रहा हूं कि का पता है क्या है six का है है मजे की बात है। अब सुनना मजे की बात अगर आप इन तीनों नंबर का लॉग लेते हो मतलब आप लॉग थ्री लेते हो लॉग सिक्स लेते हो लॉग ट्वेल्व लेते हो ठीक है तो लॉग थ्री आता पॉइंट फोर सेवन फोर फोर सेवन वन कैसे अभी नहीं पता लॉग सिक्स आता है पॉइंट सेवन सेवन एट टू कैसे अभी नहीं पता लॉग ट्वेल्व आता है और अगर आप इनका इसका का और इसका अरिथमेटिक मीन लोगे ना तो यही आए दिस इज अ प्रॉपर्टी अगर आप इन तीनों का अरिथमेटिक मीन लोगे तो आपका आंसर पॉइंट सेवन सेवन एट टू है अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस इज पॉइंट सेवन सेवन टू यही है ज्योमेट्रिक मीन की वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या कहती है अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है इन ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन का लॉग इनके ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन का लॉग रिपीट बहुत सब कुछ भुला के जस्ट लिसन टू मी ऑब्जर्वेशन के ज्योमेट्रिक मीन का लॉग ऑब्जर्वेशन के ज्योमेट्रिक मीन का लॉग इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ

ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन लॉगर का अरिथमेटिक मीन लॉगार्स का अरिथमेटिक मीन ठीक है तो ज्योमेट्रिक मीन का लॉगारदम यह रहा ज्योमेट्रिक मीन का अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन के लॉगारिदम्स का अरिथमेटिक ठीक है तो यह बात है लॉग ऑफ जी जी इज द जोमेट्रिक मीन

ठीक है अब बिल्कुल उस डायरेक्शन से दिमाग हटाओ अपना कि लॉग कैसे आया लॉग कैसे आया अब बिल्कुल सिर्फ इस पर ध्यान दो कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आज तक कभी एग्जाम में आई नहीं है लेकिन कभी भी आ सकती है ठीक है देखो अगर आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन थ्री सिक्स और ट्वेल्व अगर आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन है थ्री सिक्स और ट्वेल्व और इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन आप लेते हो तो ज्योमेट्रिक मीन आता है सिक्स अगर इसका आप लॉग्यारदम लेते हो तो लॉगारदम आता है 0.7782 ठीक है ये तो हो गया एल एच क्या है ठीक है, का क्या हुआ ये पॉइंट सेवन सेवन एट ठीक है नाउ द पॉइंट इज आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लॉगारदम्स लेते हो ठीक है तो log थ्री आया पॉइंट फोर सेवन सेवन वन लॉग सिक्स आया ट्वेल्व आया नाइन और इन लॉगारदम्स का अगर आप मीन लेते हो तो वो यही आ जाएगा ठीक है इन का अगर आप अरिथमेटिक मीन लेते हो तो वो यही आ जाएगा तो इनका अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन मीन लिया मीन लेकर ठीक है जी तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई है एक बार चैट बॉक्स में आप लोग अब आ जाओ ये एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे दो क्वेश्चन है फटाफट से देखते देखो टिक मीन एंड जो मीन टू ऑब एंडली है एट एंड टू है तो देखो क्या इनका अरिथमेटिक मीन फाइव आता है तो एट प्लस टू डिड बाई टू फाइव ये बिल्कुल सही बात ठीक है अब एट और टू का ज्योमेट्रिक मीन फोर आता है क्या एट

सिक्स और सेवन का देखते हैं सिक्स और सेवन का अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है सिक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय टू ये आ गया सिक्स पॉइंट फाइव तो अरिथमेटिक मीन से तो सैटिस्फाइड सिक्स और सेवन का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा सिक्स इंटू सेवन का स्क्वेयर रूट ये आया सिक्स पॉइंट फोर एट हमें चाहिए सिक्स ना ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन बी ट्राई करते हैं नाइन और फोर तो नाइन एंड फोर का अरिथमेटिक मीन सिक्स आएगा क्या नाइन प्लस डिवाइडेड बाई टू ये आ गया आपका 6.5 ठीक है नाइन एंड फोर का ज्योमेट्रिक मीन सिक्स आएगा क्या लेट्स सी नाइन इंटू फोर फिर इसका स्क्वायर रूट ये आ गया सिक्स तो ऑप्शन बी बीस एवरीवन सब को समझ में आ गया बोलो निश्चेन फॉर <coughs> बड़ी मुश्किल से समझ आया है लेकिन आ तो गया ना ये तो बात है मुश्किल वाला काम मेरा है ठीक है समझ आना आपका काम है मैंने कितनी बार रिपीट किया देखा आपने मैंने कितनी बार आप लोगों के सामने ये वाली प्रॉपर्टी रिपीट की ठीक है अभी भी अगर किसी को वो वाली प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई तो आप रिवाइंड करना आराम आराम से देखना आपको समझ में आ जाएगी ठीक है अदरवाइज आई रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स मैंने कम से कम से चार बार ये वाली प्रॉपर्टी आपके लिए रिपीट किया ठीक है तो अब सेम चीज को मैं रिपीट करता रहूंगा उसको कोई फायदा नहीं है आप रिवाइंड करना जितनी मर्जी बार चाहो आप उतनी मर्जी बार देख लेना ठीक है जी समझ आ गया ना सुंदरम वेरी गुड थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में लेकिन उसको आज ही देखना जो भी समझ में नहीं आया उसको आज ही रिवाइंड करके देखना मैं आपको बहुत स्लोली और बहुत बार रिपीट करके बता चुका हूं अभी भी अगर आपको नहीं आ रहा बिल्कुल परेशान मत हो रिवाइंड करो बार बार देखो ठीक है नाउ सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो आपको अन अकेडमी की वेबसाइट पर आना होगा स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा यहाँ पर सीए पर क्लिक करोगे सीए पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ सीए फाउंडेशन पर क्लिक कर दोगे सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला पेज खुलेगा आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे गेट प्लस पर क्लिक करिएगा गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा आज ही तक ये 23% परसेंट डिस्काउंट वाला ऑफर वैलिड है आप यहां पर जब मेरा कोड यूज करोगे निश्चेन और अप्लाई करोगे तो आपको 23% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो यू कैन सी दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल टुडे तो आप लोग फटाफट से इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यहीं पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे और यहां पर आप ऐड कर दोगे इसको और ऐड करने के बाद थर्टी एट थाउजेंड हंड्रेड एंड फिफ्टीन कॉम्बो में सब्सक्रिप्शन uh, मिल जाएगा दो साल की वैलिडिटी थैंक यू सो मच एल सी यू टूमोर विद आस्क मी एनीथिंग टेक केयर अपना ध्यान रखिए बाय